मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 3, जनवरी नाइट, यानी जनवरी की रात। अभी लास्ट हमने वीडियोस में देखा था, हमारी स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी कि एक किसान होता है जिसका नाम क्या होता है, हल्कू। हल्कू के पास में इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो उसके ऊपर लोन होते हैं, कर्ज होते हैं, उसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड होता है उसके पास से जो बचे कुचे पैसे होते हैं, उसकी बचत के पैसे होते हैं, वो भी ले जाता है। और वो बचत के पैसे वो कहाँ यूज़ करने वाला होता है, वो अपने लिए कंबल लाने वाला होता है, एक ब्लैंकेट लाने वाला होता है, तो वो भी वो नहीं ला पाता है। इस वजह से अब उसे सर्दियों की रात वो कैसे गुजारेगा खेतों में जा करके, वो आगे हमें देखना है कि आगे उसके साथ क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। आपको याद होगा कि जबरा नाम का उसका एक डॉग होता है जो कि उसके साथ में ही खेत में जाता है। तो अब वहाँ पर क्या सीन चल रहा था कि जबरा उसके पास में बहुत प्यार से उसे देख रहा है। यू हैव टू पुट अप जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, तुम्हें बस एक रात और गुजारनी है यहाँ। टुमोरो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कल मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर भूसी, वो जो स्ट्रॉ होते हैं ना, भूसा जो होता है वो बिछा दूंगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ को। व्हेन यू बेड डाउन इन दैट, और जब तुम उसके अंदर लेटोगे, यू वोंट फील द कोल्ड, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जबरा पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नी एंड ब्रॉट हिज मजल क्लोज, और जबरा ने अपने जो पंजे हैं, पाँव होते हैं पंजे, पंजों को हल्कू के घुटनों के पास वो लेकर आया। एंड ब्रॉट हिज मजल, मजल होता है नोज और माउथ जो होता है ना डॉग का, वो उसको बोलते हैं, तो वो उसके करीब लेकर आया। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ, और हल्कू को उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थी। व्हेन ही कुड नो लॉन्गर बेयर द बिटर कोल्ड, और जब वो और ज़्यादा ये जो खतरनाक ठंड है उसे सह नहीं पाया, ही जेंटली पिक जबरा अप एंड, और वो उसने धीरे से जबरा को ऊपर उठाया। पैटिंग हिम ही गॉट हिम टू फॉल एस्लीप इन हिज लैप, और उसको उसने मतलब पैट करते हुए, पैटिंग मतलब उसको थपथपाते हुए उसने उसे सुला दिया अपनी गोद में। ही एम्ब्रेस्ड हिम विद द वेरी सेम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर और अ फ्रेंड, तो वो उसने क्या किया, उसने उसको इस तरह से अपने पास लपेट लिया या अपने पास उसको एकदम पकड़ लिया बहुत प्यार से, कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने भाई या फिर अपने दोस्त के साथ में इस तरह से बैठा हुआ है, मतलब गले लगा लिया उसने उसको। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइस ऑफ सम एनिमल, और अचानक से जबरा को आवाज़ आती है कि किसी जानवर की। This special intimacy had produced new alertness in him that ignored the attack of the wind. और ये जो special intimacy होती है, इतनी closeness, तो ये जो closeness थी किसकी, हल्कू की और जबरा की, उसने उसके अंदर एक नई अलर्टनेस पैदा कर दी थी जिसकी वजह से उसने सारी हवाओं को इग्नोर कर दिया। स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर, वो फौरन उसने जब सुनी सारी आवाज़ें तो वो फौरन क्या हुआ, उसके पास से हटा और शेल्टर से बाहर आ गया। एंड बिगेन टू बार्क, और वो भौंकना शुरू कर चुका था। हल्कू विसल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, हल्कू ने सीटी बजाई और उसे कई बार वापस बुलाया, बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, लेकिन जबरा उसके पास वापस नहीं आया। He went on barking while he ran around through the furrows of the field. और वो लगातार भौंकता ही रहा जब तक कि वो मतलब ये जो खेत है उसके चारों तरफ दौड़ता नहीं रहा, मतलब दौड़ता भी रहा और वो भौंकता भी रहा देख करके। He would come back for a moment, और वो एक पल के लिए वापस भी आया, then dash off again at once, और उसके बाद फिर वापस दौड़ कर चला गया। Another hour passed, और एक घंटा और चला गया, एक घंटा ऐसे ही और बीत गया। The night fanned up द कोल्ड विद द विंड, और रात जो थी वो और ज़्यादा ठंडी हो रही थी हवा के साथ साथ। हल्कू रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, और हल्कू ने कुछ क्या किया, रिप होता है तोड़कर या काटकर निकाल लेना कुछ, जो मतलब स्टॉक्स कहते हैं हम सूखी लकड़ी को, तो वहाँ से सूखी लकड़ी है आसपास के खेत से निकाल ली उसने। मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम, और उसने उससे एक झाड़ू बना ली। एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउ डंग केक वेंट टुवर्ड द ग्रोव, और उसने क्या किया, फिर जो वो झाड़ू उसने बनाई थी उसके अंदर उसने आग लगा दी, किससे, जो गाय का गोबर होता ना उसके उपले बने हुए होते हैं, तो वहाँ से वो उपला जलता हुआ उठा करके उसने उसमें आग लगा ली। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वैगिंग हिज टेल, और जबरा जो था वो ये देखकर उसके पास आ गया दौड़कर, और कैसा, वैगिंग हिज टेल, वैगिंग होता है मतलब पूँछ हिलाता हुआ, तो पूँछ हिलाता हुआ उसके पास आ गया। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हेना ब्लॉसम्स टू हिम,
अचानक से एक हवा का झोंका आया उसको, जिसके अंदर उसे क्या महसूस हुआ है ना, मतलब मेहंदी की खुशबू उसको महसूस हुई। वेयर्स दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम, और ये स्वीट सी स्मेल कहाँ से आ रही है। जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइन समवेयर, और जबरा ने एक मुझे मतलब जबरा को जो था एक हड्डी मिल गई थी आसपास से कहीं, एंड ही वॉज चूइंग ऑन इट, और वो उसे चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, और हल्कू ने अपनी जो फायर थी वो ग्राउंड में मतलब वहाँ पर सेट कर ली थी, वहाँ लगा ली थी। एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, और उसने पत्तियाँ सूखी पत्तियाँ गैदर करनी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब यहाँ क्या सीन चल रहा है, यहाँ है कि खेतों में जानवर घुस चुके हैं यानी जो उसकी फसलें ख़राब कर देंगे, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। और जो जबड़ा है उसको भी वहाँ पर क्या मिल गई, एक हड्डी मिल गई, तो वो भी उसकी बात नहीं सुन रहा, तो वो भी अपनी हड्डी में लगा हुआ है। अब देखो क्या होता है उसके खेत का, इन अ लिटिल वाइल ही हैड अ ग्रेट हीप, और कुछ ही देर में उसके आगे बहुत बड़ा ढेर लग गया, हीप होता ढेर लग गया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, हिज बेयर फीट नम, नम होता है सुन हो जाना, फ्रोजन होता है जम जाना, तो उसके हाथ बिल्कुल जम गए थे और उसके जो नंगे पाँव थे वो पूरे सुन पड़ गए थे। इन अ लिटिल वाइल, और बहुत थोड़ी सी देर में, द फायर वॉज बर्निंग मेरिली, और जो आग थी वो बहुत अच्छे से जल गई थी। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवर्ड लुकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेस, और जो फ्लेम्स थी वो नीचे की जैसे पेड़ होता है, पेड़ की लिफ्ट ओवर हैंगिंग मतलब लटकी हुई ब्रांचेस के पास में वो फ्लेम्स इतनी ऊँची जा रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट The immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. तो उस रोशनी में वो flickering मतलब बार बार जलने बुझने वाली, तो जलने बुझने वाली light में जो immense बहुत घने से जो पेड़ थे वो कैसे लग रहे थे, मतलब पूरे सर उनका ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर बहुत घना अंधेरा छाया हो, बस वहाँ जहाँ आँख थी वहाँ पर रोशनी महसूस हो रही थी। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, और इस तरह के अंधकार में, ब्लिसफुल सी मतलब समुद्र में, द फायर लाइट सीम टू पिच एंड टॉस लाइक अ बोट, और जो फायर लाइट थी वो किस तरह से लग रही थी, ऐसा लग रहा था पिच एंड टॉस मतलब जैसे बोट होती है ना, कभी टेढ़ी हो जाती है कभी सीधी रहती है, तो इस तरह से बोट की तरह लग रही थी फायर लाइट वहाँ पर। वो ऐसा लग रहा था कि समुद्र के अंदर उनको एक नाव का सहारा है, एक छोटी सी जो कि मतलब जल बुझ रही है, ऐसा हो रहा है कि हाँ उससे गिरने का खतरा है, लेकिन फिर भी वो सहारा दे रही। हल्कू सैट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम, और हल्कू अब आग के पास बैठ गया और उसने उसे खुद को गर्म करने दिया। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, और उसने अपनी शॉल उतार दी और उसने पीछे की तरफ से टक कर लिया। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट, और उसने उसके बाद क्या किया, अपने दोनों पैर फैला लिए और उसने चैलेंज किया हवा को या ठंड को कि जितना बुरा कर सकती हो कर लो जाओ, ऐसा लग रहा था उसे देखकर। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, और विक्टोरियस होता है जीत हासिल करना, तो जीत हासिल किया हुआ ऐसी पावर उसको महसूस हो रही थी उस सर्दी के अंदर कि उसने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रायंफ, ट्रायंफ होता है विजय, तो वो अपने जो प्राइड था अपना गर्व था वो छुपा नहीं पा रहा था, रिप्रेस नहीं कर पा रहा था उस जीत के आगे। जीत क्या थी कि मतलब उस ठंड के अंदर भी अब उसको उस आग का सहारा है, तो आग से उसको गर्माइश महसूस हो रही है। देखो कितना सुकून मिलता ना अगर आग आप जलाकर बैठते हो सर्दी की रात में, तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सोचो वो पूरे खुले खेत में बैठा है, उसके पास तो कंबल भी नहीं है कुछ भी नहीं है, वो इतनी ठंडी रात में वो सिर्फ आग लगा के वहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। वो लाना तो कंबल चाहता था लेकिन वो जो लैंडलॉर्ड था जिससे उसने कर्ज लिया हुआ था वो सारे पैसे उसके ले गया, ऐसे ही हुआ था ना। द लीव्स ऑल लीव्स वर ऑल बर्न्ड अप, और जो पत्तियाँ थी वो सारी जल गई थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, और उसके बाद फिर से वहाँ पर जो बगीचा था जो बागान था उसका, उस बागान में फिर से अंधेरा हो गया। अंडर द एशेज, और जो एशेज थी यानी राख थी, अ फ्यू एम्बर स्मोल्डर्ड, स्मोल्डर्ड जैसे आपने देखा होगा दहकते हैं कोयले, ऐसे ही जो थोड़े बहुत बची हुई लकड़ी या थोड़े बहुत जो भी एम्बर्स थे वो सिर्फ दहक रहे थे। जबरा गेव अ लाउड बार्क, और जबरा बहुत ज़ोर से भौंका एंड रैन टवर्ड द फील्ड, और उसके बाद वो खेतों की तरफ दौड़ गए यानी फिर से वहाँ पर जानवर आ गए थे। हल्कू रियलाइज दैट दिस मेंट
अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हल्कू समझ गया था कि इसका मतलब जिस तरह से भागा है जबरा, तो इसका मतलब क्या है, जंगली जानवर वहाँ पर आ चुके हैं। हैड प्रोबेबली ब्रोकन इन टू द फील्ड, कि मतलब वो फील्ड में खेतों में आ चुके हैं। दे माइट बी नील गाय, तो वो कौन हो सकते हैं, नील गाय हो सकते हैं। He distinctly heard the noise of their moving around, और वो वहाँ उनकी आवाज़, उनके चलने फिरने की आवाज़ सुन पा रहा था, सुन सकता था। Then it seemed to him they must be grazing, और उसको ऐसा लगा कि वो वहाँ पर चर रहे हैं, जो भी मतलब वहाँ की फसल है उसको खा रहे हैं। He began to hear the sound of nibbling, और अब वो उनकी आवाज़ जो था nibbling करने की साउंड सुन चुका था। Nibbling क्या होता है, कुतरना, तो निबलिंग होता है कुतरना, तो उसको अब कुतरने की भी आवाज़ आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, नो विद जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड, ही वुड रिप इट टू श्रेड्स, और उसको लगा कि जबरा के होते हुए किसी और जानवर का यहाँ आना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो उसके रिपेट मतलब वो उसको फाड़ देगा, जो ये हमारा जानवर है जबरा है यानी डॉग है, ये दूसरे जानवर को फाड़ देगा। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझे गलती हुई है, मतलब मुझसे कोई गलती हुई है। नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल, अब यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, जबरा जबरा, वो उसने जबरा को आवाज़ दी। जबरा वेंट ऑन बार्किंग, जबरा लगातार भौंक ही रहा था। एंड डिड नॉट कम टू हिम, और वो उसके पास वापस भी नहीं आ रहा था। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर दैट इट सीम्ड इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड एंड चेज आफ्टर एनिमल्स, ही डिडंट स्टर। तो ये इतनी ठंड हो रही थी वहाँ, इतना कम्फर्टेबल था, जैसे इस ठंड के अंदर इतना कम्फर्टेबल था कि वो मतलब इनटॉलरेबल कोल्ड थी, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर, और वहाँ से निकलना इतना मुश्किल लग रहा था कि बस पूछो मत। तो वहाँ से वो बिल्कुल नहीं हिला, वो हिलता ही नहीं है वहाँ से। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, और वो अब बहुत ज़ोरों से चीख रहा था, बिल्कुल लंग्स में से उसकी सबसे ज़्यादा साउंड निकल रही थी। हेलो हेलो हेलो, जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, और जबरा फिर से भौंकना शुरू कर चुका था। देर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, और जैसे ही फसल तैयार हो गई थी, सारे जानवर को खेत उसका चर रहे थे, वहाँ से सब खा रहे थे। वॉट अ फाइन क्रॉप इट वॉज, कितनी अच्छी फसल थी ये। एंड दीज कर्स्ड एनिमल्स वर डिस्ट्रॉइंग इट, और ये जानवर, ये बुरे जानवर इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। With a firm resolve, he got up and took a few steps. और उसने मतलब बहुत दृढ़ निश्चय लिया, और वो उठा और उसने कुछ कदम आगे बढ़ा, मतलब वो कुछ कदम आगे बढ़ा। But suddenly a blast of wind pierced him with a sting like scorpion, sting होता है डंग। तो suddenly क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ हवा उसके फेस पर लगती है, और उसको ऐसा लगता है कि किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। सो दैट ही वेंट बैक, और ऐसे जैसे उसको ठंड लगती है ना वापस से, तो वो वापस चला जाता है। एंड सैट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश्ड फायर, एक्सटिंग्विश्ड होता है बुझी हुई, तो जो बुझी हुई फायर है उसके पास आकर के वो बैठ जाता है। एंड स्टर्ड अप द एशेस टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी, और फिर वो क्या करता है, उसको जो एशेस बची हुई थी, राख थी, उसको ज़रा सा हिलाता है, ऊपर नीचे करके देखता है, ताकि वो अपनी ठंडी हुई बॉडी को वापस गर्म कर सके। जबरा वॉज बाकिंग हिज लंग्स आउट, और जबरा बिल्कुल थक चुका था, अपने मतलब भौंक भौंक के थक गया था। एंड द नील गाइज वर डिवेस्टेटिंग द फील्ड्स, और जो उसके खेत थे उसके खेतों को बर्बाद कर, डिवेस्टेटिंग हिज फील्ड होता मतलब उसके खेतों को बर्बाद कर रहे थे, तो नील गाय सब बर्बाद कर चुकी थी। एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एशेस, और हल्कू चुपचाप खामोशी से खुशी से शांतिपूर्वक बैठा हुआ था कहाँ पर, उस गर्म राख के पास। His drowsiness held him motionless as though with ropes, और उसका जो आलस था, drowsiness थी या उसे नींद आ रही थी, तो उसने उसे motionless कर दिया था, बिल्कुल वो हिल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था उसे रस्सियों से जकड़ लिया गया हो। Wrapped in his shawl, वो अपनी शॉल में लिपटा, he fell asleep on the warm ground near the ashes, और वो राख के पास वहीं गर्म फर्श पर सो गया। When he woke in the morning, और जब वो सुबह में उठा, the sun was high, सूरज ऊपर था, बिल्कुल सर पर था। एंड मुन्नी वॉज सेइंग, और मुन्नी बोल रही थी, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, क्या तुम्हें लगता है तुम सारा दिन सो जाओगे, यू केम आउट हेयर, तुम यहाँ आए थे, एंड हैड अ फाइन टाइम वेल द होल फील्ड वॉज बींग फ्लैटन, और तुमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और जबकि इधर था पूरा फ्लैट हो गया, सारी फसलें खराब हो गई। हल्कू गॉट अप, हल्कू एकदम उठा, एंड सेड, और कहा, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, तो तुम यहाँ खेतों से ही आ रही हो। येस इट्स ऑल रुइन, हाँ मैं वहाँ से आ रही हूँ और ये सब बर्बाद हो गया है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम ऐसे सो रहे हो, वाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, तो तुमने यहाँ से अपना शेल्टर क्यों नहीं चेंज किया, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। हल्कू सॉट एन एक्सक्यूज, हल्कू ने एक एक्सक्यूज़ ढूंढा, आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, और मैं बस मरने ही वाला था, बस मैंने क्या किया,
रात किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ली एंड यू आर वरिंग अबाउट योर क्रॉप, और तुम्हें अपने क्रॉप की पड़ी है। आई हैड सच अ पेन इन माई बेली, आई कॉन्ट डिस्क्राइब इट, और मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड, और वो दोनों फिर अपने खेत के अपनी ज़मीन की एज पर किनारे पर गए। ही लुक्ड, उसने देखा, द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड, और पूरा का पूरा जो खेत है वो बर्बाद हो चुका है। एंड जबरा वॉज स्ट्रेच्ड आउट अंडरनीथ द शेल्टर, और जबरा जो था वो इस तरह से खिंचा हुआ लेटा हुआ है शेल्टर के नीचे, एज सो ही वर डेड, जैसे कि वो मर चुका हो। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रुइंड फील्ड, और वो देखते रहे, घूरते रहे रुइंड बर्बाद किए हुए फील्ड को। मुन्नीज़ फेस वॉज शेडोड विद ग्रीफ, और मुन्नी का जो चेहरा था वो पूरा दुख भरा हो गया था, बट हल्कू वॉज कंटेंट, लेकिन हल्कू जो था वो अभी भी संतुष्ट था। मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस। मुन्नी ने कहा कि अब तुम्हें खुद को हायर करना पड़ेगा किसी के यहाँ काम करने के लिए, ताकि तुम कुछ पैसा कमा सको और सारे किराए और टैक्सेस दे सको। विद अ कंटेंटेड स्माइल, और एक संतुष्टि की मुस्कान के साथ हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हेयर इन द कोल्ड, लेकिन अब मुझे कम से कम अपनी जो रातें हैं इस ठंड में तो नहीं बितानी पड़ेंगी। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, ठंड के अंदर अपना पेट पालने के लिए वो यहाँ पर खेती करता था, और वो यहाँ पर रात को इस तरह से गुजारा करता था कि बस आपने देखा, अभी एक रात उसने पूरी फसल बर्बाद होनी थी, लेकिन वो उस ठंड के मारे, मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी वहाँ पर कि वो वहीं पर सो गया, और उसने फसल भी ख़राब होने दी। तो नाउ अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है इसकी एक्सरसाइजेज और इसके वर्ड्स मीनिंग में आपको हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, और बाकी आपको एक्सरसाइजेज। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।